सो दोस्तों, इस वीडियो पे आप जानेंगे सी पैनल से कैसे सब डोमेन क्रिएट किया जाता है एंड उसी सब डोमेन के अंदर कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मैं हूं शगर और आप देख रहे हो टेक पर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे सब डोमेन क्रिएट किया जाता है सी पैनल के अंदर एंड उसी सब डोमेन के अंदर कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है। एक सब डोमेन क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली आपको सी पैनल पे लॉग इन कर लेना है, उसके बाद सब डोमेन पे क्लिक कर देना है। सब डोमेन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट ए सब डोमेन। सो आप जिस डोमेन का सब डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं उसी डोमेन को यहां से सेलेक्ट कर लेना है। सो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। सो यहां पे आपको मेन डोमेन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने मेन डोमेन सिलेक्ट कर लिया। अभी यहां पे आपका सब डोमेन का नेम दे देना है। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे सब डोमेन का मैं नेम दे दिया डेमो। ओके, यहाँ पे मेन डोमेन सिलेक्ट करके रखा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रूट्स। सो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, सब डोमेन क्रिएट होगा। सो उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। सो सब डोमेन क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, सो आपको वेट कर लेना है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं सक्सेस, सो ये डोमेन क्रिएट हो चुका है। सो अब हम दिखाएंगे कैसे वर्डप्रेस साइट इसी सब डोमेन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। तो वर्डप्रेस साइट इंस्टॉल करने के लिए फिर से सी पैनल पे आ जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्टली आपको वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉप्टाकुलस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहां से देखिए ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है इसमें से आपको कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। सो कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद सो यहाँ पे आपका सब डोमेन को पहले चूज कर लेना है। मैं यहाँ से सब डोमेन को चूज कर लिया जो अभी अभी मैंने आपके सामने क्रिएट किया था। सो इसमें HTTPS इनेबल नहीं है, बाहर क्लिक करेंगे तो दिखाई दे रहा है। सो इसमें HTTP को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोटोकॉल। ओके, सिलेक्ट कर दिया HTTP। यहाँ पे साइट नेम, साइट डिस्क्रिप्शन। सो मैं इस साइट को डेमो के तौर पे क्रिएट कर रहा हूँ, वर्डप्रेस साइट को। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। एडमिन पासवर्ड को आपको कॉपी कर लेना है। यूजर नेम देख सकते हैं एडमिन, सो ये दोनों आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आपको एडमिन ईमेल आईडी दे देना है, मैं एक दे देता हूँ। ओके, मेल आईडी मैं दे दिया। यहाँ से साइट लैंग्वेज चूज कर लेना है, उसके बाद आपको डायरेक्टली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही आपका देख सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट रेडी हो चुका है। लेट्स सी वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो जैसे कि आप देख सकते हो वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। सो इसका कारण यही है, अगर आपका मेन जो डोमेन है वो क्लाउडफेयर में है, अगर क्लाउडफेयर का SSL आप यूज करते हो अपना मेन डोमेन पे, तो आपका सब डोमेन ओपन नहीं होगा। तो उसके लिए भी आपको क्लाउडफेयर में जाना है। सो आपका मेन डोमेन को यहाँ पे क्लाउडफेयर में सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे DNS पे क्लिक करेंगे। DNS पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक DNS रिकॉर्ड आपको ऐड करना होगा। सो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम के जगह पे आपको जो सब डोमेन क्रिएट किया था इसको कॉपी कर लेना है और नेम के जगह पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद IP जो एड्रेस है, IP एड्रेस आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। IPv4 एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। सॉरी, यहाँ पे HTTP को रिमूव कर देना है। ओके, नाउ सेव पे क्लिक कर देंगे। लेट्स सी। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हो चुका है एंड लेट्स सी वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन हो रहा है
या नहीं हो रहा है। सो इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार। क्लाउडफ्लेयर में डोमेन को पॉइंट करने के बाद अगर डोमेन ओपन नहीं हो रहा है तो आपको 1 hour to 24 hours तक वेट कर लेना है, क्योंकि डोमेन प्रोपागेशन होने में टाइम लग सकता है। सो आपको जस्ट वेट कर लेना है। सो एक घंटा बाद जैसे कि आप देख सकते हो मेरा वेबसाइट लाइव है एंड इसका डैशबोर्ड ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो जैसे कि देख सकते हो पूरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। सो ऐसे ही आप बहुत ही आसानी के साथ cPanel पे एक सबडोमेन क्रिएट कर सकते हो एंड उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेकपर्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।